ये अपने वीडियो में मैं आपको स्टीरियप्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो बताने वाला हूँ। इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मेन बार कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने बताया था। और ये जो वीडियो है मैं आपको, मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि स्टीरियप कैलकुलेशन मैंने नहीं बताया कि कैसे कैसे करते हैं। तो ये समझ लीजिए ये मेरा कॉलम है जिसकी साइज 500 × 400 है। उसके बाद ये हमारे, समझ लीजिए ये जो मैंने कैलकुलेट किया था पहले, ये मेरे 4 मेन बार्स हैं और ये जो है वो मेरे स्टीरअप्स हैं। बराबर, तो ये मेरा कवर है जो कि 40 mm है और ये मेरे स्टील की सेंटर लाइन है बराबर। तो हमें क्या करना है, क्लियर कटिंग का फॉर्मूला है 2 × a + 2 × b बराबर 2 × a। समझ लीजिए ये मेरा a है और ये मेरा b है, तो 2 a, एक a ये वाला होगा, एक ये a वाला होगा, एक b ये वाला होगा और एक b ये वाला होगा बराबर। माइनस क्या होगा, माइनस माइनस ये दीजिए, ये हमारा जो स्टील है, जो स्टीरअप्स रहते हैं वो ऐसे राउंड होते हैं, ये ऐसा, और हमने जो कैलकुलेट किया है वो ऐसा है। तो लेस क्या होगा, ये जो पार्ट है वो माइनस होगा, उसमें से माइनस 1 एक ये एक ये एक ये एक ये माइनस 4 × 2 b, ये फॉर्मूला है उसका। सबसे पहले एक निकालेंगे, a इज इक्वल टू 500 माइनस ये 40 प्लस ये 8 का हमारा डाय का बार है तो ये 4 और ये यहाँ का 4 बराबर, 500 माइनस 44 ये वाला और माइनस 44 ये वाला, माइनस 44 इज इक्वल टू 412, b इज इक्वल टू 400 माइनस वही वापस 44 माइनस 44 इज इक्वल टू 312 बराबर। ये mm, ये mm, 2 × ये जो वापस है कटिंग लेंथ इज इक्वल टू 2 × 412 प्लस 2 × 312 माइनस 4 × 2 × 8 2 × 412 8 × 4 प्लस 2 × 312 = 6 × 4 माइनस 16 × 4 = 16 × 64 = 8 × 4 प्लस 6 × 4 = 1448 माइनस 64 1.384 मीटर। फिर उसके बाद रनिंग मीटर लेंथ ये है, इसके बाद हम केजीज निकालने का, जो d² / 162 × 1.384
एट इंटू एट 4162 × 1.384 64 × 1.384 = 0.546 kg। और आपको मैं एक बात बता दूँ, ये यहाँ पे है जैसे मालूम है आपको, एक यहाँ पे दो रिंग घूमते हैं जब राउंड मारते हैं बराबर, जब कॉलम एक्चुअल साइड पे जब हम ये जो स्टीरअप्स का बनाएंगे तभी दो राउंड मारते हैं, जब उसको घुमाते तब जो हुक बोलते हैं इसको, हुक 135 डिग्री रहता है, जो हमें इंटरव्यू में पूछा जाता है ज़्यादातर क्या डिग्री रहता है, तो इसको भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें बस उसमें इसमें ये फॉर्मूला में एक बस यहाँ पे प्लस करना होगा क्योंकि इसकी भी लेंथ आएगी बराबर, तो उसमें हमें प्लस ऐड करना है, प्लस 2 × 10D, ये 2 × 10D बस इतना ऐड करना है। अगर हम ऐड करेंगे, अगर एक हुक होगा तो 1 × 10D जो भी होगा, और डी हमेशा 75 से ज़्यादा रहना चाहिए या 75 रहना चाहिए, 66 mm यूज़ करेंगे तो 60 नहीं यूज़ कर सकते, 2 × 10D बस यहाँ पे ऐड करना है और ये फार्मूला में डालना है बस, और कुछ नहीं करना है। होप आपको ये समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अगर कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो आप मेरी वीडियो में कुछ गलत रहेगा आप सजेस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आगे हम और भी अच्छी वीडियो बनाएंगे। होप आपको ये सही लगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वंस अगेन। अल्लाह हाफिज़।